ठीक है, अभी इस बंदे को पिल दिया, पर भाई मुझे होश ही नहीं है, कोई और भी उसी कमरे में बैठा है। Awesome. ये जानाथन का फोटो कहाँ है गाजी? No. फिर मुंह में हटूं, नो नो कर करो चिड़िया से। नहीं। तो भाई लोग कैसे हो यार, स्वागत है आपका एक और नए बीजीएमआई के गेम लेआउट में। और गाइस आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ एक ऐसा कैंपर, भाई फुटस्टेप ही नहीं देगा वो, बिल्कुल जीरो फुटस्टेप। मेरे को इतना सा भी अंदाजा नहीं होगा कि कोई बंदा इस कमरे में बैठ सकता है भाई। तो मैं आगे दिखाने वाले हैं सारे सीन, और फाइनली इस वाले गेम प्ले में होता है चिकन डेयर विद 26 किल। भाई फुल मजा आने वाला है, अभी के लिए यूएमपी लगती है, और गोली मेरे टीममेट ने चुरा ली। शिट, वॉच आउट। अब इस बंदे ने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गाइस डैमेज नहीं खा लिया, तुम लोगों ने खुद देखा होगा। अरे भाई साहब, अरे खतरनाक ही था, पहले पूरी यूएमपी चिपकाई, M24 लेके फिर मैं घुस ही जाता, मैंने कहा खत्म करो। और हाँ गाइस, कैंपर हम लोग को अभी यही मिलने वाला है बहुत ही जल्द, बस थोड़ी देर सफर करो, अभी ऊपर आता हूँ मैं। अब देखो मेरा तो ये सीन हो रखा है भाई, बंदे को फाड़ना है नीड से, मुंह पे फेंकू मुंह पे बिल्कुल। तो मतलब बंदा तो सही है, आगे पहला बार नेड़ देखो, बंदे के मुंह पे ही ले जाके फोड़ा यार। मेरा तो देखो यही सीन रहता है, अभी पक्का वो रिवाइव दे रहा होगा, जाता हूं। हां भाई दे दिया कवर फायर, हो गया भाई कवर फायर आपका। आप जाओ थोड़ी देर अभी प्लेन में बैठ के आना, फिर दोबारा कोशिश करके देख लेना, ठीक है ना। अभी इसको यहां पे पेल दिया, आगे मेरा टीममेट बुरी तरीके से मार्क कर रहा होता है, तो ये बोर्ड था या जो भी था इसको भी मैं यहाँ पे देता हूँ बड़े आराम से, कोई दिक्कत हो नहीं रही है। अभी अच्छे खासे किल हो जाते हैं मेरे। और अभी जस्ट एक सेकंड के लिए तुम लोग जरा गौर फरमाओ भाई, मैप में एक बंदे के फुटस्टेप आ रहे हैं नीचे की तरफ से। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक बंदा है कैंप कर रहा है, करने दो अभी पेल देंगे। तो देखो मैं जाता हूँ यहाँ पे मौली लेके, और अब देखो तुम क्या। अब बताओ यहाँ पे मैं क्या बोलूँ भाई, मतलब अरे भाई कैंपिंग की हदें होती हैं कुछ, वो इसने पार कर रखी है। और बेशर्म इतना है भाई, अपने टीममेट को बचाने के लिए भी इसने फुटस्टेप नहीं दिया, इन्हें को कैंप करके ही मारूंगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। और मैंने तुमसे बोला था ना अपने नंबर तो भैया पूरे मोहल्ले को लेके खेलते हैं, एक बच्चा नहीं दो तीन बच्चे को कह रहा है नेड लेके गिर गया। अरे भाई तुम भैया क्या खेलते हो, मेरे को लग रहा है पक्का फ्री फायर प्लेयर है, पता नहीं कौन से ही नशे में बोल रहा है। आप बाबा ठीक है, अगर हो तो नहीं कंप्यूटर दे दे यार अपना, कंप्यूटर दे रहे हैं। अरे बस कर भाई। खैर तुम्हें पता है यहाँ पे मैं हूँ बेशरम, तो दोबारा से वहीं पे लैंड करता हूँ, और ये देख लो। अरे मेरे भाई यार तुम्हें नहीं खेलना है तो मना कर दो ना यार, ये देख रहे हो मौली जली है वहां से दिख रही है, ठीक है अंधा नहीं है मेरा टीममेट, लेके ना घुसना वही है। और इस बार यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ ध्यान से, कोई कैंपिंग कर तो नहीं रहा है, कोई होता नहीं है, और बंदा बचा है सिर्फ एक या दो। अब पूरी डाल लेता हूँ उसकी, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने डाल दिया और निकाल भी दिया भाई पेटी में से धुआं। अब इसे तो पेला ही पेला, साथ में इसका किल भी पेल लिया यार, इसे बोलते हैं ना। अब कुछ मेरे को बढ़िया लग रहा था, देखो सारे के सारे बंदे मर गए थे, ये एक आध बॉट आते हैं इन्हें तुम हटाओ, बॉट आते रहते हैं और बॉट की किल लेना भी जरूरी यार, वरना कीड़ी कैसे मेंटेन। वैसे इस सीजन में गई इस वाले मोड की वजह से कीड़ी मेरी बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि मोड कुछ ज़्यादा मतलब देखो मोड मेरे को सही लगा, बट दिक्कत ये कैंपिंग बहुत ज़्यादा लगती है इस मोड में, सर्वाइव करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, वो मेरे को ही पता है कैसे मैं बना रहा हूँ कंटेंट। खैर अभी के लिए यहाँ पे बंदे निपट चुके हैं, और भाई एक और ग्लेशियर वाला बंदा आया लॉबी में, रॉकी भाई। अब मेरे को नहीं पता शायद मैंने इसे पेला है नहीं पेला, बट पेला हो तो तुम्हें दिखा देंगे, दिक्कत नहीं है। अभी देखो पोचिंगी की साइड में आता हूँ, चार बंदे भर के गड्डी है। अब मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ ठीक है तू नीले वाले घर के ऊपर ले ले गड्डी, पर भैया और रखे हैं बहरे, सुन ही नहीं रहा है भाई वो। और ये सुनो और ये बहाना सुन सुन के ना भाई मेरे कानों में हो रखा है दर्द, गेम नहीं आ रहा है भाई, मतलब गेम नहीं चल रहा, ये कौन सा बहाना है, गेम लैग हो रहा है ठीक है पर गेम नहीं चल रहा। अरे मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, अभी यहाँ पे आता हूँ एंगल बनाने।
और इधर ये ताऊ कर रहे थे सोलो रशिंग। हो गई बेटा, अकेले कर लिया रशिंग से पता ही नहीं होगा हम लोग इतने ज्यादा टॉप पे बैठ रखे। अभी लो हमारे हरीश भैया खत्म। हग दिया, हग दिया। अभी इस वाले बंदे को यहाँ पे ग्रोजा से ही पिल दिया और पता नहीं भाई ग्रोजा मेरी इतनी शेक क्यों कर रही है। अरे ठीक है, हाँ हाँ मान लो बहाना है, ठीक है कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे पर कोई दिक्कत नहीं, एम से स्टॉप है लेकिन फिर भी। और ये लो एक और बंदे पे ग्लेशियर RDX बीस्ट, और ये मम्बो पता नहीं क्या क्या नाम के बंदे आ रखे हैं। अभी मैं एक यहाँ पे किल चुराता हूँ, तो भाई पीछे बॉट, अरे ये बॉट तो पता नहीं कहाँ से आते। भैया देखो एक आध तो ग्लेशियर वाले ने पकड़ा है, इतना मेरे से तुम लिख के ले लो। अभी यहाँ पे आके जितने किल थे सारे लेता हूँ। अब भाई शॉप पे होगा तो मैं तो वहाँ हूँ नहीं, मेरे को एंगल मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा देखो यार, देखो इस वाले घर से गाइस कुछ उखड़ रहा नहीं है, तो मैं अपनी पोजीशन कर देता हूँ यहाँ पे चेंज है, इस वाले घर पे आता हूँ ठीक है। अभी देखो ट्रिपल के अंदर कुछ बंदे हैं और कोई सामने से निकलने के चक्कर में। ये देखो तुम पहले, नहीं भाई आप नहीं बच पाओगे मेरे हाथों जो चढ़ेगा, मैं तो सीधे लॉबी डालूंगा। और ये लो यहाँ पे गलत सीन हो जाता है भाई, मेरे को लगा बंदा ऊपर आएगा नहीं वहीं बैठे रहेगा। वो तो अच्छा मेरे पे होती है सेल्फ हेल्थ किट, अभी मेरे पे रशी करने वाला होता है, मैच खत्म हो सकता था बट मेरे टीममेट ने वहाँ पे संभाल लिया। उतने में एक और रोबोट ले आया कोई, जस्ट भाई कोई एक बार बता दो स्प्रे में अगर इतनी सी भी कमी निकले तो बता देना बस, ठीक है कि भाई आपका स्प्रे नहीं आता। देखो मतलब घास में पहन देते यार, कोई दिक्कत है क्या इसमें? और अब पनौती लगने वाली है, पनौती क्या है तुम लोग देख लो, अभी मतलब गेम में पनौती नहीं लगेगी। हमारे भाई AFK जा चुके हैं। हेलो अरे भाई एक बंदा बोल लो आराम से, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। मेरे टीममेट ऊपर से कह रहा है भाई ग्लिच कर। अरे भैया नहीं करना ग्लिच, मेरे को किल चाहिए, ग्लिच व्लिच नहीं करता हूँ मैं तो। अभी भैया ये वाली जो गड्डी की स्किन है मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी, खतरनाक थी बट गाड़ी ने यहाँ पे मेरा साथ छोड़ दिया क्योंकि फ्यूल हो जाता है उसमें खत्म। अब करना क्या है भाई मेरे को, मैं निकल लेता हूँ अंदर ही तलाश। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं अकेले हैं, अकेले पेला देंगे। और मेरा नंबर 3 टीममेट ऑफलाइन रुका है क्योंकि उसके पापा आ गए घर पे। खैर अभी काफ़ी ज़्यादा मैं लबारिश था, अकेला था यहाँ पे, बंदों को ढूंढ रहा था काफ़ी ज़्यादा देर से। उतने में ही दिख जाता है सामने कोई, भाई उड़ रहा है ठीक है, देख रहे हो कहाँ जा रहा है। मैंने तुमसे बोला था कि भाई एक ना एक बार ग्लेशियर वाले को पकड़ेंगे। अरे रॉकी ये भाई यार ये हरकत करोगे आप, नाम तूने रख लिया डॉन वाला और तू हरकतें कर रहा है पिल्लो से भी बुरी। ये देख रहा कहाँ जा रहे भाई, तुम कहीं भी चढ़ जाओ मैं तो देख लेता हूँ। अभी ना इसके गिली सूट वाले टीममेट को मैंने डैमेज बहुत दिया था तो बारी है उसी को पकड़ने की। और क्या यही दूसरा बंदा इस पे ग्लेशियर थी? अरे भाई साहब लॉबी में जितने अमीर बंदे हैं ना सबको तुम्हारा भाई पेलता है भाई। अब देखो इस सामने वाले बंदे बोलती है AWM, तो मैं औकात से निकल लिया वहां से बट सीन ऐसा था जो मैंने बंदा ना वेयर हाउस पर ऑफ किया इस पे पड़ा है सेल्फ रिवाइवल, तो ये रिवाइव पक्का होगा, हो चुका है। अब ताऊ जी आप रिवाइव तो हो गए बट कोई फायदा हुआ नहीं आपका, ठीक है रिवाइव होने का कुछ फायदा निकला नहीं क्योंकि मैं तो धर दिया, मैंने धर दिया। अभी ये बंदा सामने होता है, अब देखो मैं इससे पंगे लूंगा नहीं क्योंकि इस पे है स्नाइपर, तो मैंने भी बोल दिया भाई हम थोड़ी ना पीछे हैं, स्नाइपर मैं भी खरीद लेता हूँ। अब पता नहीं ये दूसरा शॉट इसके क्यों नहीं लगता है। अब मैंने इसके एक हेडशॉट मार दिया, इसका खेल खत्म गाइस, ये दिखाने वाला नहीं है। अब इसने छुपा के रख लिया अपना कैरेक्टर है, नॉटी हो रहा अलग है कैंप रूम में। तो अभी यहाँ पे मेरे को टाइम पास करते करते एक बंदा दिख जाता है और इसके भाई इसका टीममेट सामने से कवर दे रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई M24 पे भी, अभी ये शक्ल दिखाता नहीं है तो मैं तो अपनी पोजीशन दोबारा चेंज कर देता हूँ। अब ये जो भी ना मेरे टीममेट के पास बैठा भाई इसकी इतनी टट्टी सी आवाज है ना, मैं तुम्हें समझ उस पर भी सोल्फ रोइ सर। अरे भाई बोल ले या तो कुछ कर ले। अब देखो मैं कहाँ पे आके लैंड करता हूँ और पता नहीं क्यों मेरा कैरेक्टर नीचे गिर गया। अभी ये बंदा हो चुका है रिवाइव,
और इसके टीममेट भी आने वाले हैं। कैराबी के लिए देखो मैं गाइस एकदम रश कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ, इसका टीममेट एक आ चुका है। मैं यहाँ पे एक नेड पिन करता हूँ इसी के ऊपर फेंकने के लिए, पर और भाई मजा आ गया गाइस, कैसे लगा 1v3 बताना एक बार। और अभी जितने बंदे हैं सबको तुम्हारा भाई पे लेगा। 23 किल मेरे ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं, मतलब देख रहे हो यार डीलिंग। अब वो जो ग्रेनेड मैंने किया ना, तुम्हें लग रहा हो भाई तेरे को पता नहीं तूने तुक्के में पेल दिया। अरे तुक्का नहीं, मैं भविष्यवाणी कर लेता हूँ, मेरे को सब पता है भाई कौन किधर से आने वाला है। तो पहले ही प्री कुक्ड ग्रेनेड था मेरे पास। कुछ भी और बड़ी ही मुश्किलों से इस वाले बंदे को यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। आखिरकार अपने स्प्रे से सेल्फ हेल्थ के डिस्प्ले ही पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी पेटी में डाल दूंगा। ऐसे ही पेटी पूरी डलेगी, बस भाई दिखना चाहिए, पिछवाड़ा दिखता है, गोली भर दी उसमें, ढें 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 खत्म खेल उसका। अभी तो मैं शॉप की तरफ जाता हूँ कि भाई वेस्ट मिल जाए, वेस्ट मिलती नहीं है किसी और की, भाई ये सड़ी हुई भूसी हुई मेरे को उठानी पड़ती है क्योंकि ये तो सोल्ड आउट हो रखी है ना। खैर गाइस अभी बचे होते हैं लास्ट के दो बंदे और भाई चिकन होने वाला है बहुत ही जल्द। अब तुम देख सकते हो एक सामने वाले पत्थर पे, एक पीछे वाले पत्थर पे, एक मैंने हेडशॉट दे दिया है। अब इन लोग की बोलती तो बंद हो ही गई होगी ऑलरेडी, ठीक है। AWM वाला ये मेरे को पीछे जो था ये शक्ल दिखा नहीं रहा था। अब तुम हेडशॉट गिनो पहले। अब इस वाले बंदे को यहाँ पे दूसरा हेडशॉट दे दिया, गिन लिया तुमने M24, ये रह गई M24 की, भाई क्या बोलूं। पर इसको दो हेडशॉट मिलने के बाद भी चैन नहीं है। अब भाई आखिरकार ये तीसरे हेडशॉट के बाद कहीं जाके ना हुआ, भाई क्या दिन आ गए। पहले M24 में इतनी जान होती थी एक हेड में फाड़ देती थी भाई, AWM की तरह थी। पर पता नहीं अभी क्या ही हो रखा है, अजीब ही सीन है। या तो भाई का बूश फूल होगा और भाई पता नहीं मोड में लगता भी है कुछ ऐसा, हेल्थ ज़्यादा होती है। अभी सबसे पहले मैं आता हूँ इसकी पीढ़ी डालने। अब इसके टीममेट जो था ना वो आगे की तरफ पहुँच चुका है, उसने फ्लैंक मार दिया था, डैमेज मैं उसको काफ़ी देता हूँ। अब यहाँ पे बचना लगभग मेरा नामुमकिन हो गया था क्योंकि जोन आ गई थी मेरे पे, बट जैसे तैसे करके यहाँ पे मैं बच जाता हूँ पता नहीं कैसे। इसने स्प्रे भी दिया बट स्प्रे था इसका हग्गू और आउट टाइम आ चुका है चिकन का। और फाइनली गाइस यहाँ पे चिकन डिनर हो जाता है अपना विद 26 किल और ये हैं इस वाले मोड के हाईएस्ट मेरे किल। सही है, मज़ा आ गया, चिकन डिनर भी निकल गया। आई होप तुम्हें मज़ा होगा, मिलते हैं आपसे कल।